नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं। आज हम स्थित हैं वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति फ के अंतर्गत आने वाले हरिओम नगर में, जो कि धानी बाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको बताते चले कि ये वार्ड क्रमांक 43 और यहाँ के नगर सेवक अब्दुल हक पटेल जी हैं, और इन्होंने यहाँ पे क्या विकास किया है इसकी कुछ चर्चा हम करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक हैं उनका कहना है साफ तौर पर कि यदि हमें यहाँ की मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं, गटर, सड़क और पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यदि हमें प्रशासन मुहैया नहीं कराता है तो हम जो 2019 का विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र का, उसमें हम वोट नहीं डालेंगे। और हमने जो यहाँ सूचनाएं प्राप्त की हैं तो यहाँ पे करीब करीब 500 से लेके 800 वोटर हैं यहाँ पे, जो अभी पहली बार यहाँ के मतदाता बने हैं। और वो मतदाता बनने के बाद ही उन्होंने अपने मूलभूत अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं और यहाँ के कुछ चित्र भी दिखाएंगे, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाए। और यहाँ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हरिओम नगर। और यहाँ की जितनी भी चारों तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ की तस्वीरें उसी प्रकार की हैं। गटर का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बह रहा है, और यहाँ पर पानी की निकासी जो होनी चाहिए, जो वसई विरार महानगर पालिका और नगर सेवक को देना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के निवासी, यहाँ के रहवासी, जो करीब 10 वर्षों से यहाँ पे रहते हैं। हम उनसे इस विषय पर पूछेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है और उनकी क्या मांगे हैं यहाँ के प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन, महानगर पालिका हो या फिर नगर सेवक हो या फिर विधायक हो। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ यहाँ के एक स्थानिक रहवासी हैं। सर, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार गुप्ता। आपको यहाँ पे क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ क्षेत्र में? सड़क की बहुत समस्या है और गटर का पानी का जो है बहुत समस्या है यहाँ पे। तो कितने सालों से आप लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं 7 साल से रहता हूँ। 7 साल से रहते हैं, तो 7 साल से लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है? ऐसी स्थिति। यहाँ पे कोई विधायक, सांसद या नगर सेवक कोई आप लोगों से पूछने आया कि आपको किस प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आता? आप लोग गए थे किसी के पास? हम लोग गए थे तो हम लोग के पास वोटर नहीं था। हाँ। अभी क्या हम लोग के पास वोटर लिस्ट में आ गए हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ की जनता है उन्होंने एक मन बनाया है इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कि यदि उनको वहाँ की मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिलेगी तो उन्होंने मन बनाया है कि इस बार 2019 का जो विधानसभा चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं। तो ऐसा मन बना लिया है आप लोगों ने? मन बना लिया जी। सड़क, तीन चीज अगर नहीं बना तो वोट किसी को नहीं देंगे हम लोग। तो आप अभी पहली बार यहाँ पे यहाँ के वोटर बने हैं आप? हाँ, पहली बार बने। पहली बार वोटर? हाँ। मतलब पहली बार जब वोटर कोई बनता है तो उसको उत्साह होता है कि वो कम से कम पहले बार अपने मताधिकार का प्रयोग करे। परंतु यहाँ पे आप लोगों ने मन बनाया हुआ है कि गटर का पानी बाहर नहीं आना चाहिए, लाइट बराबर रहना चाहिए, बीएमसी का पानी आना चाहिए, तीन चीज का सुविधा चाहिए, तब मिलेगा वोट, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। पूरी पब्लिक वोटिंग नहीं देगी, अगर ये परेशानी नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। तो कितने कितने वोटर होंगे यहाँ पे? हजार से ज्यादा वोटर हैं आप लोग यहाँ पे, मतलब नए नए अभी वोटर बने हैं। कुछ नहीं आता देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, उनका काम है पब्लिक को देखना, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। जब पब्लिक को तकलीफ रहेगी तो वोट क्यों देगी? नहीं देगी वोट, क्योंकि वोट देंगे तो पहले रोड तो बना के देगा, पानी के सुविधा तो करके दे। अभी कल यहाँ पे कुछ नेता आए हुए थे और कुछ लोगों ने पार्टी में प्रवेश भी किया, बहुजन विकास आघाड़ी में, जो स्थानिक पार्टी है यहाँ की, ठीक है। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों के? कल आए थे तो कुछ आश्वासन दिए कि हम बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अच्छा, कुछ बोले नहीं थे? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, नहीं कुछ नहीं बोले ये बारे में, कुछ नहीं। जो आपके नगर सेवक, यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो तो बोलते हैं कि हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, कोई नहीं आता है, कभी भी कोई नहीं आता है। यहाँ का पब्लिक मरती है कि जीती है, पानी है कि नहीं है, लाइट, कोई सुविधा कुछ कोई नहीं पूछता है। सिर्फ 10 साल से रह रहे हैं और यहाँ गटर का एकदम बेकार है, रोड भी बेकार ही है, और दूसरी बात ना पानी का सुविधा है यहाँ पे,
और यहाँ कोई इमरजेंसी कुछ काम पड़ गया गाड़ी घोड़ा की जरूरत तो आने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। साधन नहीं मिलता, स्कूल के लिए प्रॉब्लम, पानी के लिए तो पानी के लिए प्रॉब्लम, मतलब सीधे तौर पे आप यहाँ के चुनाव आयोग को भी चुनौती दे रहे हैं आप लोग कि यदि आप लोगों को यहाँ के सुविधा जो है आपकी सुविधा नहीं मिलती है तो आप लोग वोट नहीं करने वाले हैं? नहीं, वोट नहीं करेंगे हम लोग तो। यह एक तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है यहाँ के प्रशासन के लिए फिर तो। और किसी को आपको आपको किसी को क्या तकलीफ है? यही तकलीफ सबको है, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं सबको यही तकलीफ है। पानी, गटर और सड़क, बिजली, यहाँ पर तुम देख रहे हो कहीं नहीं है, दूर दूर तक रात में आप लोग कैसे आते जाते होंगे? स्टूडेंट हूँ और मेरा भी 18 प्लस हुआ है और मैं भी फर्स्ट मतदाता बनी हूँ, बट मुझे यहाँ से जाने में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक बारिश में इतना इतना पानी भर जाता है और वहाँ से बैग वैग चप्पल वप्पल सब बह जाते हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सड़क नहीं बनेगा तो मैं भी वोट नहीं दूंगी किसी को। तो ये नए मतदाता हैं यहाँ के, अभी अभी 18 वर्ष पूरे करके उन्होंने अपना वोटिंग कार्ड बनाया है और उनका भी कहना है कि विकास हमें नहीं मिलेगा तो हम वोट भी नहीं देंगे। तो यहाँ की परिस्थितियाँ बद से बदतर हो गई हैं, जनता का आक्रोश साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जनता किस प्रकार से आक्रोशित है यहाँ के प्रतिनिधियों से। तो यहाँ पे कोई अभी तो नगर सेवक की बात हो रही थी, अभी यहाँ पे कोई विधायक जो यहाँ के विधायक आपको जब वोट लेना रहता तभी आते हैं, उसके बाद कोई दिखता नहीं। यहाँ का आमदार कौन है आपको पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। आपके क्षेत्र का आमदार कौन है पता है? नहीं तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा यहाँ कुछ पता नहीं। तो अभी अभी आएंगे, आश्वासन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ आएंगे वोटिंग रहेगा तो ही आते हैं, मिल गया हो गया, सिवा नहीं आते हैं बाद में। मतलब वोटिंग के दरमियान जब वोट का समय रहेगा या उनको आपको आपकी जरूरत होगी तो आएंगे, ऐसे नहीं अन्यथा कोई आता नहीं, कोई नहीं आता है। हम लोग इतना प्रॉब्लम, इतना छोटे छोटे हमारे बच्चे, इमरजेंसी तबियत खराब है, कोई हमारा गाड़ी लेने का आता नहीं, गाड़ी लेके नहीं आता हमारे दरवाजे पे, हम यहाँ से नाके पे गाड़ी लेने जाएंगे, इतना प्रॉब्लम है हम लोग, सिर्फ हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे बस खाली इतना, इतना प्रॉब्लम है। तीन चीज अगर बन गया तो वोट मिलेगा, तीन चीज नहीं बना तो वोट नहीं मिलेगा, हम लोग को परेशानी नहीं करेंगे, वोट सर देंगे वोट नहीं मिलेगा जब तक हमारा धोएगा नहीं, कोई आता है कोई गाड़ी लेने बोलेगा तो लेते हैं, बच्चों को आने जाने का परेशानी, जब इधर जाने का परेशानी, जब इंसान के कोई चीज की सुविधा नहीं रहेगा तो वोट कैसे देगा ये बता। बच्चे लोग को बारिश होती है तो बराबर वोट जाने का होगा, आप लोगों ने कभी यहाँ पे यहाँ की जो समस्याएं है उसका लिखित में किसी नगर सेवक या विधायक या महानगर पालिका में लिखित में किसी ने दिया है कुछ? अभी एक महीना पहले हम लोग ने घर पट्टी जमा किए थे नगर सेवक के पास पानी के लिए, उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया, इतना भरना उतना भरना, बस सिर्फ यही करते हैं और हमारे दो तीन साल हम लोग यही देख रहे हैं पानी के लिए, पानी आ नहीं रहा, बस वहीं से आके आदिवासी लोग इधर से चला जाता है पहाड़ के किनारे, कोई नहीं आता, क्यों हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग हम लोग पानी नहीं पीते हैं, यही बोरिंग का पानी पी पी बीमार पड़ रहे हैं हम लोग, क्यों उनको नहीं समझ में आता है, सिर्फ वोट चाहिए उनको, तो पट्टी नहीं जमा करेंगे तो बोलेंगे ताला मार देना उनको, क्या हम पैसा गिनते हैं, हम अपने पसीने का पैसा देते हैं उनको ताला मारने के लिए, बाकी जो पब्लिक दुख तकलीफ है, मतलब उनको आप टैक्स ना भरे, घर पट्टी ना भरे तो वो ताला मारने के लिए आप लोगों को धमकी देते हैं कि ताली मार देंगे, ताला मार भी देते हैं, ताला मार देते हैं, देखिए वो आदमी मारा हुआ है, कितने सालों में कितने घरों में मारा हुआ है, हमारे कहने का मतलब जे मन के यहाँ सुविधा देते के वोट दे, वोट आगे कौन यहाँ पे अभी अमूमन देखा जाए तो यहाँ पे काफी उत्तर भारतीय लोग ज्यादा है, उत्तर भारतीय ज्यादा है, तो अब यहाँ के जो कल नेता आए थे यहाँ पे कुछ मंच साझा उन्होंने किया है यहाँ पे, उनका तो कहना था कि हम उत्तर भारतीय लोगों के लिए जी जान से लगे रहते हैं और उत्तर भारतीय हमारे हैं, नहीं सर एक मिनट की बात सुनिए, मैं यहाँ 2003 से मैं यहाँ पर आया हूँ, प्लस मैं उसके पहले मैं धानुभंग नाके पर रहता था, ठीक है, उसके बाद यहाँ आकर के मुझे 12 साल हो गया,
12 साल के दरमियान में इस एरिया छोड़ करके बाकी हर जगह गली और रोड सब एकदम क्लीन हो गया है, लेकिन यहाँ पर 12 साल से यही नतीजा देखते आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पानी में बच्चे लोग जाते हैं तो उन्हें डूबने कितने बच्चे बह जाते हैं, इतने कमर भर पानी यहाँ रोड पे फैल जाती है, लेकिन आज तक न नाला बनी हुई है, न तो रोड बना हुआ है, न तो यहाँ रोड बेस की लाइट लगी हुई है। हर तरह से हम लोग एकदम मुसीबतों से जंग से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, अमीर आदमी ये है कि यहाँ उनके पास पैसा है तो जा करके बिल्डिंग में और शहरों में रह रहे हैं, फ्लॉट में रह रहे हैं, आज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी एक एक रुपया बिटोर करके यहाँ अपना झोपड़पट्टी में रूम लेकर के पड़े हुए हैं, वो कहाँ छोड़ करके भाग से जा सकते हैं? लेकिन यहाँ पर रह करके हर मुसीबतों से, हर जंग से यहाँ लड़ रहे हैं और मुसीबत का झेल रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ जो भी है नेता लोग आते हैं सिर्फ वोट के समय में आते हैं, हाथ जोड़ करके यहाँ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब उनको जब वोट देने के बाद यहाँ कोई भी नेता दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वोट के जरिए उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है हम लोगों की, बाकी समय कुछ नहीं। हमारा वोटर आईडी 2018 से यहाँ हमारी वोटर आईडी है, उसके पहले तो मैं कितना वोट देते चले आया हूँ, हर गली हर जगह सब कुछ तैयार हो गया, बन गया है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों यहाँ रह करके 12 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपके आजू बाजू के परिसर में उन्होंने सुविधा दिया हुआ है, परंतु यहाँ पे उन्होंने जो सुविधाएं आप लोगों को देनी चाहिए वो नहीं दिया है, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? कारण सर ये है कि मतलब ये नेता लोगों का आपस में जो है पता नहीं क्या सोच। अच्छा, आपसी टकराव के वजह से, आपसी तकरार के वजह से यहाँ का विकास लंबित क्यों ऐसा रह गया है? बाकी सब एरिया बन चुके हैं, लेकिन ये एरिया क्यों ऐसा रह गया है? ये नेता लोग आपसी में तकरार वो आपस में करें ना, लेकिन हम लोग पब्लिक के क्यों तकलीफ देते हैं? तो यहाँ के जनता का आक्रोश साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ की जनता आक्रोशित है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेके, जो यहाँ का प्रशासन उन्हें नहीं दे पा रहा है। तो एक बात तो यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा सकती है, आपने सुना भी कि यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। अगर आप उनको उनका विकास नहीं देंगे, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं देंगे, जैसे सड़क हो गई, गटर की निकासी के जो पानी का पाइपलाइन डालना चाहिए गटर के लिए वो, और जो पीने का जो स्वच्छ पानी है वो उन्हें नहीं मिलेगा, तो 2019 विधानसभा का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये तस्वीरें आपको चलते चलते बताना चाहेंगे, ये तस्वीरें हैं धानीबाग नाला सोपारा विधानसभा, विधानसभा भी आप जान लीजिए, विधानसभा क्रमांक 132 है ये, तो विधानसभा 132 की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पे एक और भी एक महानुभव आज चुनाव मैदान पे उतरे हैं, जो जिन्हें भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी भी रह चुके हैं, और उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जनता का ये है कि यहाँ के जो लोग स्थानिक लोग थे उन्होंने इनको विकास नहीं दिया। अब ये माना जाए कि श्री प्रदीप शर्मा जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या वे इन मुद्दों को और इन लोगों के जो स्थानिक जनता हैं उनके मुद्दों को चुनावी रंग देंगे या चुनावी माहौल में इन मुद्दों को उठाएंगे? और यहाँ की जनता को जो विकास नहीं मिला है वो विकास उनको देंगे? तो आपको ये तस्वीरों के माध्यम से दूसरी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अभी आपको। ये तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सड़क जो है ये 9 एकड़ यहाँ का ही क्षेत्र है, यहाँ से लेके 9 एकड़, फिर यहाँ से होते हुए हरौटे पहाड़ा क्षेत्र है, फिर आगे से निकलेंगे हरिओम नगर है, यहाँ के पूरे क्षेत्र में सड़क, गटर और पीने के पानी की समस्या काफ़ी मात्रा में है। Thank you.